वैसे मोदी जी और राहुल, जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव-गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी, बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी, गांव-गांव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है, लेकिन सर पर टोकरी रखने से थकान भी तो बहुत हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी, आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, दो बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गाँव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए, तुम्हारी जलेबी। ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं ये। ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोती चूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो, लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई, रुको रुको रुको, यहीं पे रुक जाओ। बोलो सर जी, क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी, लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों तो दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो, तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो। पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बात को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा, और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल, योगी जी इन साहब ने तो उल्टा फंस दिया, अपने तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ के पैसे मिलेंगे भी। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बताऊं मोदी जी, सबसे ज्यादा गन्ना आप ही का पैदा होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता। मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर, तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है, और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेबालतू की तो बातें किया मत करो, तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुंची है, चीनी मिल तक नहीं पहुंची है। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है। तो तुम्हारा कम कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो, जब तुम तेज चलाओगे तभी भी तेज चलाएंगे, मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ। राहुल के और तुम्हारे चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की, जल्द से जल्द पहुँचो। अरे रोको रोको, अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पर रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर लाइन से झुंड बना के चलती हो, जिससे रोड पर जाम लग जाता है। अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी, अलग अलग कैसे चला करें? हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहले बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो, एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी, एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे। अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। वो तो भला हो इन मोदी जी का, जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी साइकिल को, यहीं पे रोक लो, चाय यहीं पे पिला दो हमें। ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो साइकिल पर चाय रखकर जगह जगह बेचते फिरते हो। लो मई योगी जी, अभी दे देते हैं तुम्हें एक चाय। तुम्हारे बराबर में अखिलेश, राहुल और लालू जी भी तो बैठे हैं, इनको चाय नहीं पिलवाओगी तुम? देखो भाई मोदी जी, इस बार फसल भैंसी अच्छी नहीं हुई है, मुझे खुद को चाय पीना बड़ा मुश्किल पड़ती है, मैं इन्हें कहाँ से पिलाऊं? और इन्होंने कभी मुझे चाय पिलाई होती तो मैं पिला भी देता। लो भाई योगी जी, हम तुम्हें अकेले चाय पिला देते हैं, हमें क्या, तुम जितनी चाय मांगोगे उतनी दे देंगे। अरे मोदी जी, हम क्या योगी जी की चाय के भूखे हैं, हमें भी एक चाय दे दो, इनके पैसों की तो चाय हम वैसे भी नहीं पीते। चलो लालू जी, एक चाय तुम्हें दे देते हैं। राहुल अखिलेश, तुम क्या ऐसे बैठे रहोगे हाथ पर हाथ धरे, तुम नहीं पियोगे चाय? अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ आप मुझे, आप ये अपनी साइकिल पर जो चाय स्टॉक करके लाते हो, क्या ये चाय ठंडी तो नहीं होती, गर्म रहती है ये चाय? बिल्कुल गर्म रहती है, कैसी बात कर रहे हो राहुल? मैं सुबह ही अपने घर पर पूरे दिन भर की चाय इकट्ठी बना लेता हूँ और इस बड़े बर्तन में इकट्ठी करके ले आता हूँ, फिर इस बर्तन में से जो जैसी चाय मांगता रहता है मैं निकाल के देता रहता हूँ, एक कप, दो कप, तीन कप, जो जैसी मांगे। इस बर्तन में से पूरा दिन भर चाय ठंडी नहीं होती, अभी पी के देख लूँ, एक कप बिल्कुल गर्म चाय होगी। योगी जी से पूछ लो ये चाय पी रहे हैं? तो दे दो एक कप चाय, दे दो मुझे भी, लेकिन पैसे नहीं है जेब में। पैसे नहीं है? बिना पैसे के राहुल चाय मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अरे मोदी जी, उधार नाम का भी तो कोई शब्द होता है, उधार दे दो एक कप चाय मुझे। वैसे जब से मैंने साइकिल पे चाय बेचना शुरू किया है तब से मैं चाय उधार बेचता नहीं हूँ, लेकिन तुम मांग रहे हो, चलो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन कल पैसे दे देना बिना कहे। और अखिलेश, तुम लोगे चाय? एक कप तुम्हें भी दे दूँ? नहीं मोदी जी, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीऊंगा, चाय पीते ही मुझे खट्टी मीठी डकारे आने लगती है, उल्टी सीधी गैस बनने लगती है। अरे अखिलेश, ये मेरी चाय है, मेरी चाय से गैस बनती नहीं है, गैस खत्म हो जाती है। निकालूं एक कप चाय तुम्हारे लिए अखिलेश? अरे मोदी जी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ मुझे गैस बनने लगती है तो मैं नहीं पीऊंगा चाय। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, योगी जी, अखिलेश, मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि आज ये सारा का सारा नमक इकट्ठा करके अपनों को नमक फैक्ट्री पहुँचाना है, लेकिन तुम तीन लोग होकर भी इतना नमक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो जितना मैं एक बार में नमक ले जाके ट्रक में डाल के चला आता हूँ। अरे मोदी जी, और हम कितनी तेज नमक इकट्ठा करें, मुझे नमक का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोयले की फैक्ट्री में अच्छा खासा काम करते थे अपना लोग, लेकिन तुम यहाँ पर नमक का काम करने के लिए ले आए। यहाँ पर दिन भर में 100 रुपए की भी मजदूरी नहीं हो पाती है, और 200 रुपए के मैंने जूते खरीद लिए क्योंकि पैर नमक से कट जाते हैं। राहुल, ज्यादा बातें मत बनाया करो, मुझे देखो, मैं तो नंगे ही पैर नमक को ढो रहा हूँ। और तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें यहाँ काम करते अच्छा नहीं लगता, कोयले की फैक्ट्री में काम करते अच्छा लगता था? अरे हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती थोड़ी लाए थे, जाओ चले जाओ कोयले की फैक्ट्री में काम करने के लिए, हमें तो वहाँ काम करते अच्छा नहीं लगा। देखो भाई, हमसे तो कोई सा भी काम करा लो, हम तो हर काम करने को तैयार हैं। पहले हमने कोयले की फैक्ट्री में भी जम के काम किया और अब नमक का भी काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वैसे एक बात तो मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ नमक के काम में मजदूरी करके ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से हाथ पैरों को नमक से बचा के रखना पड़ता है। तुम तो चलो मोदी जी नंगे पैर ही काम कर लेते हो, लेकिन हमसे बगैर रबर वाले जूते पहने बगैर काम नहीं होता। लेकिन एक बात तो है योगी जी और राहुल, अपना तीन लोग मिलकर भी इतना नमक इकट्ठा नहीं कर पा रहे जितना मोदी जी अकेले ढो लेते हैं, बहुत ही लगन से काम करते हैं मोदी जी। चलो अखिलेश, तुम भी ज्यादा बातें मत बनाओ, इधर आओ जरा, मैं नमक ढोते ढोते थक गया, अब मैं इकट्ठा करवाता हूँ नमक, तुम नमक यहाँ से ले जाकर ट्रक में डाल के आओ, ट्रक को जल्द से जल्द नमक से भर दो क्योंकि ट्रक को आज ही नमक फैक्ट्री पहुँचना है। अरे मोदी जी, मैं अभी आपकी तारीफ ही कर रहा था, आप मुझे से नमक ढोने को कहने लगे। अरे मैं नहीं ढोऊंगा नमक, इस राहुल से ढुलवाओ राहुल से। अखिलेश, कल राहुल ने नमक ढोया था, आज तुम्हारी ढोने की बारी है। वैसे मोदी जी, आप ही नहीं योगी जी से नमक क्यों नहीं ढुलवाते हो, ये हमेशा नमक को इकट्ठा करते रहते हैं। देखो राहुल, यहाँ नमक पर काम पर आने से पहले योगी जी ने कह दिया था कि वो नमक को इकट्ठा तो करवा देंगे लेकिन ढोंगे नहीं, ये उनकी शर्त थी यहाँ पर आने से पहले। मुझे कोई दूसरा मजदूर मिल नहीं रहा था इसीलिए इन्हें लाना पड़ा। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।